नहीं, आप बताओ क्या क्या बुराइयां नोट करी हैं आपने लोगों ने? बुराई ये नोट करी है कि किसी से ही बोलो, देखो पॉलिटिक्स में कितना बुरे होते हैं लोग, है ना। वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का इतना अच्छा है, शायद ही किसी दूसरी कंट्री का इतना और कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की वो चलती नहीं है। पॉलिटिशियन की चलती है ना, इसलिए नाम का कॉन्स्टिट्यूशन रह गया है बस। देखना सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो बस जब मैंने सिविक्स पढ़ी हुई है और मैंने पता है कि क्या क्या राइट्स होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि उसमें से 10% भी नहीं होते क्या राइट। देखो राइट टू लाइवलीहुड मतलब रोजगार का हर किसी को हक होता है, है ना, है क्या। लेकिन किसी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं, जिंदा रहने का हक वो भी सबके पास नहीं है, मर जाते हैं, और वो भी कुदरती रूप से नहीं, बीमारी से नहीं, ऐसे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। और वो पैसे इसलिए नहीं क्योंकि नौकरी नहीं है, और नौकरी इसलिए नहीं है पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा दिमाग पे के पैदा हो गए लोग और कुछ कम दिमाग के पैदा हो गए लोग, ज़्यादा दिमाग के और कम दिमाग वालों का हक छीन लेते हैं। डबल कमाई करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो राइट टू इक्वालिटी है तो, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में, असलियत में नहीं है। आपको फ्रॉड क्या नज़र आया? फ्रॉड ये कि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ये नहीं सोचता कि हमें कोई फायदा भी करना है किसी और का, सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं लोग। अच्छा दूसरे ही नहीं सभी, तो आप बहुत सीरियस हो ना इस मैटर को लेकर? नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ। तो ये मैंने बहुत सारे पहले तो पता है, लेकिन ये नहीं पता था, मैं सोचता था ये बुरे लोग होते हैं ना, ये बुरे ही होते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इतने ज़्यादा बुरे लोग होते हैं। 90% इंसान दुनिया के बहुत मतलब ही है, सिर्फ 10% भी ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र है, पता दोस्त भी नहीं होते सच्चे, दोस्त सारे नकली होते हैं। आज तक मेरे जितने भी दोस्त बने सारे नकली दोस्त थे, एक भी असली नहीं था। हाँ बस एक कोई तो होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो होता है। हाँ थोड़ा बहुत था लेकिन वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेल्फिश सभी होते हैं, बिल्कुल प्योरिटी नहीं मिलती कहीं पर भी। नहीं बिल्कुल प्योरिटी नहीं, थोड़ी बहुत प्योरिटी भी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल प्योरिटी ये थोड़ी कि जान दे देंगे इतनी वाली प्योरिटी भी नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ी बहुत प्योरिटी तो होनी चाहिए ना कि अपने दोस्त के फायदे के लिए सोचे थोड़ा। दोस्त दिखावे के लिए होते हैं ज्यादातर, बोलने के लिए। और भाई भी जो होते हैं भाई वो भी बचपन के लिए भाई होते हैं, बड़े होकर सब बेकार हो जाते हैं दोबारा, सब नहीं काफी लिखे और कुछ तो बचपन में भी नहीं होते, सही बच्चों में भाई वाली फीलिंग होती है, मैंने देखा है अपने भाई की तरफ से बोलते हैं ज़्यादा तो, लेकिन बड़े होंगे सब जाते हैं फीलिंग कम होती जाती है।